आज हम लोग ये 64 दीपूलम यूजीपीसी का वहाँ पे एक फैमिली जो चपचे जादी का फैमिली का प्रोग्राम में मैं आया है, मुझे इनवाइट किया गया कि सपोर्ट करना चाहता है। तो हम लोग यहाँ इटानगर से आया है बहुत लोग, और इसका फैमिली को मिला, और खुशी के बात है कि यावेपुरे में आज पहला मेरा एक फैमिली से शुरू हो रहा है कि एक आई ओपनर और एक दरवाज़ा हमको दिया है कि यावेपुरे में आप आज से शुरुआत कर सकता है बच्चे। तो इसका हिम्मत को मैं थैंक्स देता हूँ कि कोई भी यहाँ से आज तक ओपन करने का अभी तक प्लान नहीं था, तो उसका जो दिल से दिमाग से वो डिसीजन देख के मुझे बुलाया, तो हम लोग बहुत खुश थे। हम लोग सीनियर या अब तो शंकु जादी है, बंजा सरती है, क्या के, तो हम लोग जो है आज बहुत खुश है क्योंकि यावेपुरे में हम लोग एक यादी फैमिली से हम लोग जो है प्रोग्राम को शुरू कर रहा है, और बहुत लोग है अभी ज्वाइनिंग प्रोग्राम बनाएगा। तो ये हम लोग का शुरुआत है, तो इसमें हम लोग डेवलपमेंट का बात हुआ है और फ्यूचर प्लान का बात हुआ है, इसके बाद लीडरशिप का बारे बात हुआ, कैरेक्टर का बारे बात हुआ है, और काफ़ी बात हुआ है, खुश है। तो लीडरशिप आएगा तो जो आज बात हुआ है वही होगा। मैं ओके सर, जैसा कि एमएलए बन जाने के बाद क्या चेंजेस आएगा, हमारा व्यूअर्स को भी थोड़ा बताइए। एमएलए अगर बन जाने का वह चेंजेस, तो जितना पब्लिक स्पेक है इतना मैं लाऊंगा डेवलपमेंट को लेके, और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉल्व करना है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और कोई भी लाइन में जो एमएलए कर सकता है उसको पीछे कभी होने नहीं देगा। और हम लोग का जितना हम लोग एरिया में 4 सर्कल में जो विलेज है, जो हम लोग माइग्रेशन रैपिडली माइग्रेशन हो रहा है, इसको हम रिवाइव करने का ट्राई करेगा। जितना हम लोग नदी है, पहाड़ है, ज़मीन है, यूज़ करने का हम काम करेगा। 2019 में इलेक्शन में हाई मंत्री का एमएलए बनते समय आप स्ट्रॉन्गली सपोर्ट आज अगेंस्ट में कंटेस्ट किया रहा है, तो इसके आप क्या नहीं इसमें इसको सपोर्ट करने का एक मकसद था क्योंकि वो एजुकेटेड है और वो काम करेगा, बल्कि हम लोग एक्सपेक्ट था, तो उसका साथ में मेरा है 2-3 साल जो है मैं देख कर सकता ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसलिए मैंने चुना है कि अपना ही एमएलए बन जाऊं, अपना ही काम करेगा, अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो किसी का एरिया का इतना मैंने 11-12 हज़ार का आदमी का जो लीडर है कमज़ोर नहीं होना है, सिर्फ जूत का ऊपर जूत नहीं मारना चाहिए। इसलिए हम देखा है कि खुद बन के एडमिनिस्ट्रेशन करूँगा, डेवलपमेंट लाऊँगा, पब्लिक को सेवा करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करेगा, हम लोग का चारों सर्कल का कोई भी रिसोर्स है उसको हम रिसोर्सफुल में लाएगा, ये मेरा एक मकसद है। और लीडर तो जैसे कि कोई भी आ सकता है, डेमोक्रेसी है ना, वही बनना है बल्कि ऐसे नहीं है, और कोई भी आ सकता है, लेकिन वो हिसाब से अपना एक एज का हिसाब से और अपना एक इंटरेस्ट का हिसाब से मैंने डिसाइड किया है। और साथ ही साथ हमने हमको जो है कई से हमको ये एडवाइस किया है कि करना है, आप ही बनना है, तो इनवाइट का वजह से हम लोग आ रहे हैं। तो मैं तो एमएलए बनेगा तो मेरा ख्याल से 100 टाइम फास्टर डेवलपमेंट करेगा उससे। तो मैं मैं जो है जो बोलता मैं वो करके दिखाता है, तो स्कीम का बात है तो स्कीम कितना दे पाएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले जैसे 100 करोड़ बात बारह हो रहा ना उस कोई प्लान में है, इसमें हम नहीं नहीं मतलब 50% लाने का काम करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का पास भी तेजरी में कितना लिमिटेड स्कीम होता है, उससे भी हम बेस्ट एंड बेस्ट अप्रोच के हम डेवलपमेंट लाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हम जो बोलता है वो हम काम करता है, तो ये तो हम बोल के भी माने ऐसे आज तक फेलर हुआ नहीं है। तो एमएलए तो एक स्कीम पावर है, मनी पावर है, बिल्कुल करेगा, जो आज हम जो बोला है वही होगा। ये रीजन देखिए, जो अभी प्रेजेंट एमएलए जो है उनकी जो अच्छा खासा से अगर पब्लिक को कोऑपरेट करके करता तो आज ये कैंडिडेट नहीं उठना था। तो इसकी एक पब्लिक कोऑपरेट कमियों का वजह से मैं आज इसका साथ देना पड़ा, तो इसलिए हम इसलिए आया कि अच्छा लीडर आओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि वो स्कीम लाए और पब्लिक का प्रॉब्लम को देखे।
पब्लिक को अच्छे से गाइडेंस करना है, तो गाइडेंस करने नहीं सकने वाला को तो अभी इसलिए उसको हम लोग रिजिट कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट एमएलए जो अच्छा होता तो उसको हम लोग कंटिन्यूस करना था। 2019 में काफ़ी उसको हम लोग जो ओपोनेंट था उसको सिलेंडर होने तक हम लोग किया था, मगर वो आज ही चार साल ज़्यादा हो गया झूठ पे झूठ पब्लिक का गुमराह कर रहा है पब्लिक को, ना टेलीफोन उठाते पब्लिक को, ना व्यू सुनते, ना बीमार हजार हेल्प करते, ना उसके एमएलए को सही ढंग से यूज़ किया। मेरे पास आरटीआई कागज़ है 8 करोड़ 94 लाख है, ना उसका साइन है, अभी कहाँ में यूज़ किया 8 करोड़ 94 लाख, 8 करोड़ 94 लाख एमएलए मिला है उसको आरटीआई मार के, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मैं चाहे तो शो भी कर सकता है। देन इसके बाद मैं आपका हार्टिकल्चर में बोला, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट 1 करोड़ 26 लाख 4 सर्कल के लिए आया, उसको नानी कैम्प में रखा है आपका, जहाँ मैं क्लस्टर फार्मिंग में क्लॉप्स करके वाई में बिल उतार दिया, तो ऐसे एमएलए को हम कैसे देगा दोबारा, यही है मेरा कहना था। और सर ये क्या होता है अभी जो प्रेजेंटली ना आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं ये हवा बगन सर, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं जब वो एमएलए बनने का बात? नहीं देखिए, मैं आज पहले भी मैंने बोला, मैं आज 5 दिन हो रहा है इसका कैम्प में आया, मैं उसको ऐसे देख के आया, मैं भी एक सोशल नेशनल तक हमने देखा कि क्या क्या स्टेट में हो रहा है, नेशनल में क्या क्या हो रहा है, सारा स्कीम कैसे लाना है मुझे भी जानते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हवा बगंग जो आज इसको कर सकेगा, मैं 100% उसको मैं वचन दे रहा हूं और मैं साथ देगा, और इसका बाद मैं यकीन का साथ कह सकता है हवा बगंग अब सुप्रसिद्ध वो रहा, स्टेट को चलाया, वो श्योर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा के लिए लाएगा, अच्छा काम लाएगा और सारा प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देगा। मेरा नाम चपके यादव। सर जी आज का जो प्रोग्राम के बारे में कुछ अपडेट दीजिए, क्या रेस्पॉन्स? ये आज का प्रोग्राम जो एक्चुअली ऐसे है कि ये फर्स्ट यहाँ पे पूरा ना हम लोग लिखवा गया से हमने फर्स्ट ज्वाइनिंग आज प्रोग्राम बनाया, और उसी में जो आज हमारा कैंडिडेट आया उसको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, और उसका जो सपोर्टर लोग है ना आज जितना भी आया आप सबको भी थैंक यू, और मीडिया ब्रीफिंग आप लोग को भी थैंक यू, और जो हम आज यहाँ में जो हम आया है अनकंडीशनल में ना मेरा उसको पसंद था ना और उसका करेक्टर को हम दिखा सही लगा ना, उसका बाद सही लग के और काम भी करने सकेगा बोल के इसलिए हम सपोर्ट किया, और आज हम लोग का ये जो मेंबर जो ना हम लोग का फैमिली से 60 मेंबर हम लोग आज मैंने यहाँ ज्वाइन कर रहा है, ये ओनली मेरा फैमिली है। ओके सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मेरा नाम मैं शंकु ग्यादी लिखवा ग्यादी से गावेपुर सर्कल का, तो मैं यहाँ आज ये मेरा एक भाई है मेरा गांव का, वो उसका प्रोग्राम में वो आज हवा बगंग नई संता जो कैंडिडेट एमएलए कैंडिडेट को वो इनवाइट किया है और इसका साथ ज्वाइनिंग करने के लिए, उसका प्रोग्राम में हम भी और भाई ने आपको इनवाइट किया इसलिए हम भी आया है भाई का प्रोग्राम में साथ देने के लिए। ओके सर, आप लोग 2019 को आयंग मंत्री का सपोर्टर था, आज क्यों हवा बगन को ज्वाइन किया, इसके बारे में तरफ ब्रीफ कीजिए सर। नहीं, हम लोग ये हमारा जो प्रेजेंट ऑनरेबल एमएलए हवा आयंग हम लोग सपोर्ट कर किया था फ्री ऑफ कॉस्ट में, हम लोग ये बिना पैसा लेके हम लोग वोट कास्ट किया था, तो अभी 5 साल का अंदर में देखा है जो 5 साल अभी गुजर रहा है, 4 साल हो चुका है अभी तक देखा है उसका जो आयंग साहब आयंग मुफी साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाने का जो है बहुत स्लो है, तो पब्लिक को मतलब अभी उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तौर तरीका से सेटिस्फाई नहीं है, तो बहुत स्लो है, तो जो कमिंग करके रखा है डेवलपमेंट का क्षेत्र में तो वो भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो लोगों को मिलना वो पसंद नहीं करता है, लोगों से पब्लिक से जनता से छुपता है, उसका साथ कोई कनेक्ट करना नहीं चाहता है, तो वो कहीं मतलब बानाबाजी करके इधर उधर कहीं अपना ये खेलने कूदने में अपना पर्सनल ये में मतलब इंडिविजुअल काम में ज़्यादा वो इंटरेस्ट व्यस्त रहता है, इसलिए ये कॉमन कोर्स में कॉमन जो जनरल जो आम पब्लिक का काम में वो आगे मतलब आके काम करने में थोड़ा उसको असफल मतलब हो रहा है, काम जो चलो चलो मतलब चल रहा है,
तो पब्लिक जो है अभी ग्रामीण पूर्ण सरकार का पब्लिक जो है उसको तो उसका कामकाज से उसका मतलब ये से कंडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है। इसीलिए हम लोग अभी जो चाहता है कि जो नया जो कैंडिडेट आ रहा है हवा बगन जी, तो उसका जो ऑनेस्टी को देख के उसका चाल चलन उसका जो पब्लिक सर्विस दिया वाला को देख के उसका आपसू प्रेसिडिंग 5-6 साल का जो ने सर्विस दिया है शूटिंग का या यूनियन में, तो उसका ये सर्विस को देख के कंडक्ट को देख के तो यहाँ का पब्लिक जो है अभी उसको चाहता है, मतलब उसको वेलकम कर रहा है, तो चेंजेस करना चाहता है पब्लिक जो है हमारा यहाँ का पब्लिक जो है अभी चेंजिंग चाहिए, मतलब MLA को 2024 इलेक्शन में चेंज करना है, क्योंकि इतना स्लो वाला बोलने आता है, सब कुछ जानता है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, पर भी काम में एजुकेटेड नहीं है। हाँ सर, पढ़ने लिखने में ये में एजुकेटेड है, लेकिन काम में पब्लिक सर्विस देने में एजुकेटेड नहीं है अभी भयंग साहब का जो थोड़ा कमी है मैंने, इसलिए हवा साहब को हवा बगन साहब को उसका जो काम को ईमानदारी को देख के उसका जो क्षमता है जो काम करने का तौर तरीका जो उसको देख के मतलब पब्लिक अभी उसको पसंद कर रहा है, उसको 2024 असेंबली इलेक्शन में उसको चांस देने वाला है हवा बगन जी को हम लोग।